ठीक है। सो परफेक्ट गैस इक्वेशन के बाद हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। बेसिकली इसको डिनोट करते हैं किससे, क्यू वी से और क्यू सॉरी इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी वी और सी पी। होती क्या है स्पेसिफिक हीट, किसी को आइडिया है स्पेसिफिक हीट का, कोई बताएगा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। बेसिकली जब हम किसी सिस्टम को, ठीक है, या फिर आप सिंपली जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, कोई सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, इस सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको राइज करने के लिए 1 यूनिट से जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये आपका कोई सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर जो है 1 यूनिट से इंक्रीज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है, वह डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। हमने क्या बताया, 1 ग्राम, बेसिकली आपको अगर सी वी कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। हमने क्या बोला, एम इज 1 एंड डेल्टा टी इज ऑल्सो 1, तो क्या आ जाएगा, ये क्यू के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स सी वी इक्वल्स टू क्यू, सी वी इक्वल्स टू क्यू कब, जब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से इंक्रीज किया जाएगा, सो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट हीट अमाउंट विल बी नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब अगर हीट आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही है सो इट विल बी कांस्टेंट, अगर आपकी जो हीट ट्रांसफर की जा रही है कांस्टेंट प्रेशर पे सो वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको डिनोट करेंगे सी पी से। सी वी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये होती किस पे है, रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। एक तो प्रोसेस कैसी होगी, रिवर्सिबल, और दूसरी कैसी होगी, नॉन फ्लो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी चीज रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सीपी सीवी। इसके बाद बात करते हैं जूल्स लॉ की, ठीक है। जूल्स लॉ क्या होता है, लास्ट टाइम शायद आपको बता चुके हैं एक बार कि जूल्स लॉ क्या होता था। जूल्स लॉ होता है आपका, सचिन कोई इशू है क्या, आप हैंड रेज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है, ये होता है। अगर आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो उस केस में आप क्या करोगे, डी क्यू इक्वल्स टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, क्लोज सिस्टम, कैसा है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। इस केस में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या होती है, पी डेल्टा वी, ये कांस्टेंट हो गया, इट मींस कितनी हो जाएगी, जीरो। इट मींस डी क्यू इक्वल टू डी यू, कितनी हीट आप ट्रांसफर करते हो, हीट ट्रांसफर करते हो क्यू इक्वल टू एम, कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए सी वी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डी यू। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आती है आपकी इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। दूसरा आपका होता है, हाँ अब आता है कुछ रिलेशनशिप,
ठीक है। रिलेशनशिप बेसिकली 12th बेसिस है, आपको ज़्यादा इसमें नहीं देखना है, आपको जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में सिर्फ वही यूज करने हैं, प्रूविंग आपकी नहीं आती है। क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं? सी वी माइनस सी पी इक्वल्स टू आर, सी पी बाई सी वी अपॉन सी पी बाई सी वी इक्वल्स टू गामा, सी पी माइनस सी वी होता है। CP माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, पहला ये हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। एक और होता है आपका सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन, सी वी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन, एक फॉर्मूला ये होता है सी वी का। सी वी है क्या? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे सी वी निकाला वैसे ही आपका सी पी भी होता है। सी पी क्या होता है आपका? सी पी होता है आपका गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। गामा के बारे में हमने भी नहीं बताया, गामा बता चुके हैं वैसे पहले। गामा क्या होता है? गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स, इसकी वैल्यू ज़्यादातर क्या लेते हैं? 1.44, ठीक है। तीन तरीके की वैल्यू होती है, 1.33, 1.44, 1.66, ठीक है। डायटोमिक के लिए आपकी होती है 1.33, सॉरी मोनोटॉमिक के लिए होती है आपकी 1.33, ये होती है डाई, ये होती है आपकी ट्राईएटॉमिक। मोनो का मतलब क्या हुआ? जैसे सिर्फ जो इनर्ट गैसेस होती हैं लाइक आर्गन, ठीक है, मरकरी, ठीक है, ये सारी गैसेस कैसी होती हैं आपकी? मोनोटॉमिक। डायटॉमिक क्या होती है? लाइक एन टू, ओ टू, एस टू, ये सारी क्या हो गई आपकी? या एन ओ या सी ओ, ये हो गई डायटॉमिक, क्योंकि इसमें दो एटम है, नाइट्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का। ट्राईटॉमिक लाइक सी ओ टू, ओ थ्री, एच टू एस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपकी कैसी हो गई? ट्राईटॉमिक। ज़्यादातर जो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं? 1.44। नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एंथैल्पी का। एंथैल्पी, ठीक है, क्या होता है? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं स्मॉल एस से और कैपिटल एस, ठीक है। एंथैल्पी क्या होती है? जब भी आपका ओपन प्रोसेस होगा या ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो मास है वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है, ठीक है। जो मास है वो बाउंड्री से क्या कर रहा होगा? बाहर जा रहा होगा। क्लोज सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी लेते हैं, ओपन सिस्टम के लिए हम लोग एंथैल्पी कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी होता है आपका एच इज टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ये पीवी क्या है? इस पीवी को बोलते हैं यहां पर फ्लो वर्क, ठीक है। फ्लो वर्क कौन सा होता है? जो ये फ्लो हो रहा है मास, जब मास फ्लो हो रहा है तो किस रीजन में फ्लो हो रहा है, किस प्रेशर पे, किस वॉल्यूम पे, तो पी इंटू वी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्लो वर्क आ जाएगा। अगर आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एच इसको स्टोर जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है? एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विच अकर्स इनवेरिएबली इन थर्मोडायनेमिक्स इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी टू द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, या फिर इसको फ्लो वर्क बोलते हैं। दिस सम इज कॉल्ड द एंथैल्पी, इसी को क्या बोलते हो आप? एंथैल्पी बोलते हो, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी एंथैल्पी, तो एंथैल्पी आपकी आती है क्लोज सिस्टम के लिए जब आप करते हो, डेल्टा एच की जो वैल्यू आती है ये आती है एम सी पी डेल्टा थीटा। इंटरनल एनर्जी में एम सी वी डेल्टा थीटा और एंथैल्पी में एम सी पी डेल्टा थीटा, ये आपका फॉर्मूला। ये बता दिया हमने सी पी बाई सी वी कुछ तो क्या होता है? गामा। उल्टा होता है वैसे, मोनोटॉमिक 1.6, डायटोमिक 1.4, ट्राईटोमिक 1.44।
3, हम जो बता गए हैं हर बार हम उल्टा ही बताते हैं, पता नहीं क्यों नहीं याद कर पा रहे हैं हम भी। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये होता 1.33, सॉरी ये होता 1.66 मोनोटॉमिक के लिए, और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33 होता है। बस ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका, अब आपके स्टार्ट होते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, अब आपका देखेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम। फ्लो नहीं हो रहा है, कैसा सिस्टम है? सिस्टम है आपका क्लोज्ड, और प्रोसेस कैसी है? नॉन फ्लो। ठीक है, देखते हैं, यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट प्रोसेस कैसी है? नॉन फ्लो एंड क्लोज्ड सिस्टम, ये तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम, चलो देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस क्या इन्होंने कंसीडर करी है? रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। रिवर्सिबल बोला है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। लूप कैसा होगा आपका? क्लोज्ड होगा। ठीक है, करते हैं इसको, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। फर्स्ट है आपका रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आइसो कोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसो कोरिक प्रोसेस। क्या होती है आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। देखते हैं एक बार इसमें क्या किया हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे कंसीडर किया, कि एक ही गैस है जो किसी पिस्टन में भरी हुई है। ठीक है, अभी पिस्टन का जो वॉल्यूम है वो तो मैक्सिमम वॉल्यूम टीडीसी पर, जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ में शो करें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को पीवी डायग्राम में, ये है आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। कैसे शो करो? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, मतलब ये प्रोसेस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, इस 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आपका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। आपका जो V1 है वही क्या आपका V2 है। गैस इक्वेशन लगाओ उसमें जरा, गैस इक्वेशन क्या थी? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। आपको क्या पता चला? V1 इक्वल्स टू V2, तो V1 V2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। प्रेशर वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप होता है पहली बात तो, किसके लिए? आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, क्या होता है? DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। DW आपका क्या होता है? DW आपका होता है P डेल्टा V। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, इट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब वर्कडन भी कितना हो जाएगा? जीरो। जब वर्कडन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? DQ इक्वल्स टू, अच्छा ये कितना होता है? ये होता है MCV डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, बातें की है MCV DT। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में ट्रांसफर करते हो।
बंद कर दो उसको। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डिस्कस कर ली, जिसमें आपकी जो एनर्जी होती है कितनी होती है, एम सी वी डेल्टा थीटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी, अगर हम इसमें पीवी डायग्राम के अलावा और कादे डायग्राम बना करके देखें, लाइक आपको अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाना है, ठीक है, अगर टेम्परेचर को आप शो कर रहे हो वैसे, वॉल्यूम को शो कर रहे हो वैसे, कैसे कर्व बनेगा सीधा, या तो 1:2:2, ठीक है, जाएगी प्रोसेस, या तो 2:2:1। वॉल्यूम क्या है इस केस में आपका, कांस्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस आती है कौन सी, सेकेंड, पहली क्या थी आपकी, थी रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है आपकी रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। क्या होती है रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रोसेस, तो इसको पहली बात तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो बैरिक प्रोसेस, आइसो बैरिक प्रोसेस। इस केस में आपका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो गैस इक्वेशन लगाओ जरा, P1V1 upon T1 = P2V2 upon T2। प्रेशर हो गया कांस्टेंट, P1 = कितना हो गया, P2, तो P1 P2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, V1 upon T1 = V2 upon T2, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें किसके किसके बीच में, एक हो गया डायग्राम P एंड V के बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, 1:2:2, या तो ऐसे जाएगा या तो 1:2:2 इस तरीके से आएगा। इसमें अगर ये पहली प्रोसेस की बात करें, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, V1 से V2 जा रहा है, इस मीन्स ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। बात करें अगर हम हीट की, तो आपको पता है DQ = DU + DW, ठीक है। हीट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है यहाँ पर जब आप वर्क डन रखोगे तो ये हो जाएगा DU + PdV, V1 से V2 के लिए, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, DU+, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, V, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ये हो जाएगा आपका DU + P V2 - V1, ये क्या हो जाएगा आपका, DQ। इस तरीके से आप इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आप एनर्जी कैलकुलेट कर, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते थे कैसे, देखो DQ = ध्यान से देखना, यह है DU, DU को क्या लिख सकते हो, U2 - U1 + PV2 - PV1, क्या कह सकते हो इस केस में, इसको क्या लिख सकते हो आप, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, U1 - U2 - U2 - U1, ठीक सही है, U2, और इसको क्या कंसीडर कर लो, यहाँ P की जगह P2 कंसीडर कर लो, और इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा, U1 - - प्लस, और इस P की जगह क्या कंसीडर कर लो, P1 कंसीडर कर लो, P1, ये V1 है, V ये V है, ये U है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये आपका U है, U + PV, क्या बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, U + PV = क्या होता है, एंथैल्पी, इट मींस ये एंथैल्पी हो गई H2 की, ये एंथैल्पी हो गई H1 की, और एंथैल्पी कितनी होती है, MCP ΔT, या फिर MCP T2 - T1, यही आपका क्या हो गया, DQ।
अगर इस केस में आपको डी क्यू कैलकुलेट करना होगा तो क्या रख दोगे डायरेक्टली, एच टू माइनस एच वन या फिर एम सी पी डेल्टा थीटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी डी। ये आपकी आइसो बैरिक प्रोसेस होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में आपकी जो हीट ट्रांसफर थी वो थी एम सी वी डेल्टा थीटा, दूसरी एम आपकी आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में जो आपका हीट है वो आ रहा है एम सी पी डेल्टा थीटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, रिवर्सिबल टेम्परेचर प्रोसेस थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, रिवर्सिबल आइसो थर्मल प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बस ये बोलते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो थर्मल प्रोसेस। ठीक है, केस में होता क्या है आपका, इसमें होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक, क्या होता है आपका इसमें, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, गैस इक्वेशन लगाओ, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, क्या हो गया टी वन इक्वल्स टू टी टू हो गया, इट मीन्स ये दोनों हो गए कैंसिल, क्या बचा आपका पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू इक्वल्स टू पी वी भी कह सकते हैं कुछ। ठीक है, कर्व बनाते हैं, कर्व इसका थोड़ा सा देखना अजीब होता है, अजीब क्या आपको पता है y इक्वल टू वन अपॉन एक्स का जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेशर लाइन है, ये आपका वॉल्यूम लाइन है। ठीक है, अगर या तो वन पॉइंट और ये टू पॉइंट, ये अगर इस तरीके से प्रोसेस है तो इसको बोलेंगे आइसो थर्मल, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना तो आइसो थर्मल एक्सपेंशन। दूसरी आपकी प्रोसेस क्या हो गई, अगर इस तरीके से हो टू से वन, तो ये क्या जा रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम क्या हो रहा है आप केस में, डिक्रीज कर रहा है, वन से टू जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगी आइसो थर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके वर्क डन पे। आपको पता है डी क्यू इज टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, टेम्परेचर क्या बोला हमने यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा डी यू, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमने आपको बताया इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी जीरो, ये क्या हो जाएगी आपकी जीरो। इट मीन्स डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है इंटीग्रल ऑफ वी वन टू वी टू पी डी वी। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट तो है नहीं, प्रेशर हो रहा है चेंज, कैसे चेंज हो रहा है ये देखो। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, आपको करना हो जाएगा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर सी। ठीक है, सी जब आप रखते हो तो सी की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती, कैसे, पी वन वी वन या फिर पी टू वी टू, कुछ भी रख सकते हो आप सी की वैल्यू। ठीक, यहाँ से पी की जगह रख लो आप, पी की जो वैल्यू है वो रख लो पी इजक्व टू सी बाई वी, है ना, यहाँ पर रखो जरा वैल्यू, क्योंकि हम डिफरेंस इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो करो जरा इसको एक बार वी वन टू वी टू, पी की जगह रख दोगे सी बाई वी डी वी। अब फॉर्मूला है यहाँ पर वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ एक्स, एल एन है ये, डिफरेंस होता है आपका एल एन और लॉग में, एल एन एंड लॉग ये दो अलग चीजें होती है, एल एन की बेस होता है ई, लॉग की बेस होता है 10, तो होता क्या इनमें डिफरेंस, लॉग बेस में जो 10 होगा वो होता है 2.303 टाइम्स में एल एन, मतलब बेस में ई, मतलब लॉग छोटा होता है एल एन बड़ा होता है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल तो हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, क्या आएगा वन अपॉन वी, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका एल एन ऑफ वी, लिमिट कहाँ से, वी वन से वी टू, सी कॉन्स्टेंट था उसको बाहर ले लिया, सी आ गया बाहर, इसको ले लो जरा फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ये
ln ऑफ वी टू माइनस ln ऑफ वी वन, ये कितना हो जाएगा आपका सी ln। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n इक्वल टू होती है ln ऑफ m अपॉन n, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा वी टू बाई वी वन। ठीक है, सी इक्वल टू क्या था, सी इक्वल टू हम ये भी कर सकते थे पी वन वी वन ln ऑफ वी टू बाई वी वन रख लें, या फिर पी टू वी टू ln ऑफ वी टू बाई वी वन रख लें, या फिर आपको एक चीज और दिखाई दे रही थी पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू था ना, तो वी टू अपॉन वी वन इक्वल टू हो जाएगा पी वन अपॉन पी टू। तो यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा ये पी वन वी वन ln ऑफ पी वन अपॉन पी टू भी रख सकते हो यहाँ पर, पी टू वी टू ln ऑफ पी वन अपॉन पी टू भी रख सकते हो, ये आपकी क्या आ जाएगी डी ठीक है, या फिर डी डब्ल्यू बराबर ही होगा इसके, है ना। किसके लिए आपका है ये चीज है आपकी आइसो थर्मल, ये आइसो थर्मल वर्क डन कहो या फिर आइसो थर्मल हीट ट्रांसफर कहो, बात एक ही है। जब आप आइसो थर्मल वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पी वन वी वन एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन रख लो, या पी टू वी टू एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन रख लो, या पी वन वी वन एल एन ऑफ पी वन बाई पी टू रख लो, या फिर पी टू वी टू एल एन ऑफ पी वन बाई पी टू रख लो। डेरिवेशन शायद हमको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट जरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वन डिस्कस करते हैं, जब हम लोगों ने आइसोकोरिक कर ली, आइसोबारिक कर ली एंड आइसो थर्मल कर ली, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बताया था हमने, सबसे पहले तो एडियाबेटिक के केस में अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर द एडियाबेटिक। स्टार्टिंग से हम चिल्लाते चले आ रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को ना तो हम एनर्जी देंगे और ना ही इससे एनर्जी लेंगे, ना ही सिस्टम से एनर्जी हमारी बाहर निकल रही होगी। इट मींस जो डी क्यू हो जाएगा एडियाबेटिक सिस्टम के लिए कितना होता है जीरो। अगर यहाँ पर डी क्यू जीरो रख दोगे तो यह आ जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या दिखाई दे रहा है आपको डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस का डी यू, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना। हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कैसा कंपैरिजन है, कंपैरिजन है आपका, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो डी यू है वो डी डब्ल्यू के बराबर, या फिर हम प्रैक्टिकली क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम प्रैक्टिकली यहाँ पर ये कह सकते हैं जो वर्क डन है हमको किससे मिल रहा है इंटरनल एनर्जी से, हमको बाहर से कोई भी एनर्जी देने लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस चीज को सब लोग एग्री करते हो, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ लो ठीक है, कि हमको फॉर्मूले में ही दिखाई दे रहा है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू डी, इट मीन्स जो हमारा वर्क डन है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के चेंज से ही मिला जा रहा है, हमको किसी तरीके से वर्क डन करने की, हमको किसी तरीके से बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और हम दे भी नहीं सकते क्योंकि प्रोसेस कैसा है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉफिटेबल चीज है कि सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहा है और हमको क्या दे रहा है वर्क डन, इट मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस इज वेरी यूजफुल। इसके पहले की प्रोसेसेस देख लेते हैं, उनमें भी जरा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट लगाते हैं हम लोग, लगाया नहीं। ये देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारी थी ये आइसोथर्मल प्रोसेस केस में हम लोग क्या कर रहे थे कि जितनी हीट दे रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो रही थी उसके वर्क डन में, इस केस में आपका क्या हो रहा था जो इंटरनल एनर्जी था वो क्या हो रहा था जीरो। ठीक है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, हम जितनी हीट दे रहे हैं पूरा का पूरा वर्क डन क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है सिस्टम के द्वारा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी का रोल बीच में नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कैसी है आइसोथर्मल। तो हम जब भी प्रोसेस कराते हैं या तो आइसोथर्मल कराते हैं या तो एडियाबेटिक कराते हैं, ज्यादातर हम लोगों की जो प्रोसेस होते हैं देखो ना तो आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है ना ही एडियाबेटिक प्रोसेस पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं अप्रोच करते हैं कि प्रोसेस ऐसे आइसोथर्मल हो या फिर प्रोसेस कैसी हो एडियाबेटिक हो। ठीक है, अप्रोच कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम लोग दोनों ही अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है बात समझ में आ गई होगी कि आइसोथर्मल में हम क्या करते हैं जितनी एनर्जी देते हैं पूरी की पूरी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और एडियाबेटिक प्रोसेस में तो इतनी अच्छी बात है कि हमको एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही है, हमको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, पूरी की पूरी जो जो वर्क डन है वो हमको किससे मिला जा रहा है इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करके, जो कि पॉसिबल नहीं है।
बट हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कि डी डब्ल्यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडियाबेटिक के लिए। जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ उसको देखो, यहाँ पर जो प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशनशिप होता है वो ये होता है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल्स टू पी टू वी टू की पावर गामा, या फिर ऐसे कह सकते हो पी वन अपॉन पी टू इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा, ठीक है, या फिर ठीक है, तो एक रिलेशनशिप तो आपको ये मिल गया सीधा सीधा, ये किसके किसके बीच है, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप है। इसी तरीके से ये हो गया आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। अब हम रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लिख के दे दे रहे हैं तुमको, फॉर्मूला काम आएगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इस केस में, आपका एडियाबेटिक के केस में, कि प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन जो होता है वो ये रहा, टीवी की पावर प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये रहा, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, ठीक है, टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी टू की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, ये हो गया प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो क्या कि टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, या सिंपल सी चीज है टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन, एक रिलेशनशिप आपका ये हो गया, ठीक। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्या चीज, एक तो पी वन वी वन की पावर गामा इक्वल्स टू पी टू वी टू की पावर गामा ये वाला, दूसरा ये, और तीसरा आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, क्या था टेम्परेचर प्रेशर के बीच में, टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स टू पी वन अपॉन पी टू की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, एक किस लिए याद रखने हैं, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले हमको क्यों याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो आपके फॉर्मूले हो गए, इसके बाद हमको इसमें प्रूव करना है ये जो एनर्जी का टर्म आ रहा है, ये कि वर्कडन आपका आ रहा है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू की पावर अपॉन गामा माइनस वन, टाइम हो गया है ओवर, अब हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है।